हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले ज़बरदस्त टेस्टी बहुत ही बढ़िया मलाई चाय की रेसिपी। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो स्पेशली ये चाय आज हम मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 कप दूध लिया है, जिस हमें एक्चुअली 2 कप ही चाय चाहिए, बट इसके लिए मैंने यहाँ 3 कप दूध लिया है। तो इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दूध को ही डाल दिया है। इसी में हम डालेंगे 1 स्पून चाय पाउडर और फिर हम इसमें शुगर ऐड करने वाले। तो आप अपने पसंद से शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी में मैंने 4 स्पून शुगर ऐड किया है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, 1 कप चाय के लिए 2 कप शुगर ऐड करती हूँ। अगर आपको इतना मीठा पसंद नहीं तो आप इसमें सिर्फ 2 स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। तो बाद में हम इसी तरीके से इसे ऊपर नीचे करेंगे। जब आप इस तरीके से इसे पकाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है और पूरा चाय का फ्लेवर इसमें उतर जाता है। तो इसी में मैंने इलायची को कूट के डाल दिया है और फिर हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने पाउडर लिया है और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये चाय पक के 2 कप नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो थोड़ी देर इसी तरीके से ऊपर नीचे करते रहिए, तभी तो बहुत ही बढ़िया ये थोड़ा सा गाढ़ा स्ट्रक्चर में चाय बन के रेडी हो जाता है। अगर आप एक बार इस तरीके से चाय बना के देखेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमेशा आप इसी तरीके का चाय बनाएंगे। तो कभी कभार आप इस तरीके से मलाई चाय बनाकर भी पी सकते हैं फ्रेंड्स। तो हर किसी को पसंद आता है ये मलाई चाय, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं हमेशा इसे बनाती हूँ। एक्चुअली मैं डेली चाय नहीं पीती, बट कभी भी पीती हूँ तो इस तरीके से कभी मलाई चाय कभी मसाला चाय बना के पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, करीब 7-8 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम में रखिए, मीडियम गैस के फ्लेम पे इसी तरीके से लगातार ऊपर नीचे करते हुए आप इसे पका सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है फ्रेंड्स। अगर आपको चाय का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चाय पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चाय पाउडर डाल दिया है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाय का बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हैं इसका झाग, देखिए बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर झाग आ रहा है। तो ये दूध से बनी हुई चाय है इसलिए इतना बढ़िया झाग इसके ऊपर आया है। अगर आपको दूध से बनी चाय पसंद नहीं तो आप क्या करें, 1 कप दूध डालिए और 2 कप पानी का यूज़ कीजिए और इसी तरीके से चाय को बना के लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली एक वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मेरी सभी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल तरीके की रहती हैं, तो आप सभी वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी चाय भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल रहा है। जब हम मिट्टी के बर्तन में चाय बनाते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है फ्रेंड्स। जब हम इस चाय को पीते हैं तो मिट्टी का थोड़ा सा स्मेल इसमें उतर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिस तरह से तंदूरी चाय बनती है ठीक उसी तरीके का फ्लेवर इसमें आ जाता है। सो आप कभी भी चाय बनाते हैं स्पेशल तरीके से तो मिट्टी का बर्तन ही यूज़ कीजिए। तो कभी भी मैं चाय बनाती हूँ तो इसी तरीके के मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने के लिए मैंने इस बर्तन को सेपरेट रख दिया है, तो मैं हमेशा इसी बर्तन में चाय बनाती हूँ तो बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो अभी देखिए चाय भी अच्छे से उबल चुकी है, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अच्छे से छान के लेते हैं। तो मैं एक स्टील के पतीले में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, देखिए मैंने इसे छान के लिया है और फिर हम इसे थोड़ी देर ऊपर नीचे कर देंगे और 1 कप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने स्मॉल से कूलर लिए हैं, उसी में मैंने चाय को ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर इसी के ऊपर हम डालेंगे मलाई को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना आसान तरीका था चाय बनाने का और ज़बरदस्त टेस्टी और गाढ़ी स्ट्रक्चर में ये चाय बनके रेडी हुई है। तो इसी के ऊपर हम मलाई को इस तरह से डाल देते हैं। आपको कितनी मलाई डालनी है उतना आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2-3 स्पून मलाई डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से मलाई डालने के बाद इसका लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मलाई वाली जो चाय होती है वो आप एक बार बनाकर देखिए, बनाने के बाद पीने के बाद कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आपको ये चाय पसंद आई या नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स।
If you like my video, please subscribe my channel and enjoy. Thank you for watching. Asha's Tasty World.